तो दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईटी बॉम्बे की तरफ से। तो आप लोग जाते हैं, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है आईटी बॉम्बे, आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो जो इसमें वैकेंट सीट रह गई हैं, जो खाली सीटें रह गई हैं, उनका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, क्योंकि स्पॉट एडमिशन अब होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो रेगुलर राउंड था 11th राउंड तक पार्टिसिपेट किया था आईटी बॉम्बे, अब इनके जो स्पॉट राउंड हैं, वो स्पॉट राउंड में कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं, किस ब्रांच में हैं, किस ब्रांच में नहीं है, सारा डिटेल्ड डिस्कशन आपको मिलेगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है, तो जो अदर ब्रांचेज के हैं वो आप लोग जो है तुरंत निकल सकते हैं। ठीक है, आप लोग तुरंत निकल सकते हैं, केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले रुके इसमें, क्योंकि इन्हीं के काम का है। और आप लोग देख सकते हैं जिनको देखना हो, तो टोटल सबसे पहले सीटें बात करते हैं, कितनी वैकेंट सीटें रह गई हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, तो सारा डिटेल डिस्कशन होगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईटी बॉम्बे की तरफ से। तो आप लोग देखें तो स्पॉट एडमिशन फॉर द एमटेक आरए प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ऑन जुलाई 19 19 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोग एकदम रेडी रहिए, क्योंकि 19 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, आज 17 जुलाई है। दिस प्रोग्राम इज एन एमटेक कोर्स, एमटेक कोर्स का है लेकिन 3 ईयर ड्यूरेशन का है। ठीक है, जो भी मतलब कि जो गेट स्कोर से लिए होंगे, गेट स्कोर से भी होगा, डेफिनेटली गेट स्कोर से ही होगा, लेकिन ये 3 साल का होगा। ठीक है, क्योंकि 2 साल वाले फुल हो चुके हैं इनके सीटें, केवल 3 साल का कोर्स इनका बचा है, तो 3 साल का ये कोर्स होगा। द एकेडमिक रिक्वायरमेंट, जो जो भी रिक्वायरमेंट थे, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया थी, जो सेकेंड ईयर एमटेक प्रोग्राम का था, वही इसका भी होगा एलिजिबिलिटी। ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क 20 आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीक में जो लोग मतलब शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनको एक वीक में 20 घंटे काम करना पड़ेगा। कहाँ काम करना पड़ेगा, जो अंडर ग्रेजुएट के लाइब्रेरी हैं, अंडर ग्रेजुएट लाइब्रेटरी हो गए हैं, जो उनको असाइंड किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो असाइन किए जाएंगे, उनको जो है अंडर ग्रेजुएट लाइब्रेरी में 20 घंटा काम करना पड़ेगा एक वीक में। अब बात करते हैं कितना क्वालिफिकेशन आपका, मतलब कितना गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, तब आप लोग अप्लाई करिए इसमें। तो अगर बात किया जाए ME1 आप लोग सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, ME2 आपका जो है मतलब थर्मल फ्लूड, और ME3 आपका जो है मतलब मैन्युफैक्चरिंग। ये ME1 ME2 ME3 है, मतलब आगे पीछे हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ME1 का मतलब इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर मिनिमम कट ऑफ बात किया जाए, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 500 गेट स्कोर कार्ड हो, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। पहले मान लीजिए जो लोग कोप में नहीं अप्लाई किए होंगे, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो ऐसे होंगे जिनका 500 गेट स्कोर रहा होगा मैकेनिकल में, लेकिन उन्हें एक्सपेक्टेशन ये रही नहीं होगी कि मुझे आईटी बॉम्बे 500 में मिल सकता है, लेकिन हाँ जी आपको मिल सकता है, तो लोग अप्लाई नहीं किए होंगे कोप में। तो आप लोग अब प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। OBC NCL में आपका जो है 450 होगा, तब भी आपको मिल जाएगा। SC ST 333 हो आपसा, इसके अगर ऊपर है आपका गेट स्कोर कार्ड, तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई करिए। टोटल अगर सीट की बात किया जाए, तो टोटल सीट ये 22 सीटें ये हैं, प्लस कटिन सीट और हैं, टोटल आपका 32 सीटें हैं। 22 सीटें तो ये हैं आपका, ME1 में 3 है, ME2 में आपका 7, ME3 में आपका 12। ठीक है, तो 22 सीटें ये हैं, 10 सीट और हैं, आगे मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। हाँ, 10 सीटें और कौन सा है, रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, अदर देन दिस सीट देयर आर 10 और सीटें हैं। ठीक है, 10 रिसर्च असिस्टेंटशिप वाली सीटें हैं, इनको भी आप लोग अब वो कर सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। ME1 मतलब थर्मल था, ME2 आपका डिजाइन था, और ME3 आपका मैन्युफैक्चरिंग था, तो इसमें भी 10 सीटें हैं, यानी कि टोटल अगर देखा जाए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 32 सीटें इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग खाली हैं, किसमें, आईटी बॉम्बे में, तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई करिए। ठीक है, अब कहाँ पे अप्लाई करना है, द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर ऑन द स्पॉट एडमिशन एज इज फॉलोज, कौन कौन सा है एलिजिबिलिटी अब आप लोग पढ़िए। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव अप्लाइड फॉर एमटेक प्रोग्राम एट आईटी बॉम्बे फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। और क्या कहते हैं, कैंडिडेट शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड कोप में जो है आप लोग ऑफर, जो लोग ना एक्सेप्ट किए हों, ठीक है, उनको उनके लिए है, जो लोग मतलब कोप में एक्सेप्ट कर लिए होंगे ऑफर, जैसे मान लीजिए कि आईटी बॉम्बे में नहीं, मान लीजिए कि आप कोप में ऑफर आया आईटी गांधीनगर, तो आप लोग जो आईटी गांधीनगर में अप्लाई कर लिए होंगे, मतलब एक्सेप्ट कर लिए होंगे ऑफर, वो लोग जो है इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऑफर कोप में। हाउ एवर, कैंडिडेट स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कन्फर्म्ड द एडमिशन ज्वाइंड आईटी बॉम्बे, जो लोग आईटी बॉम्बे ज्वाइन कर चुके होंगे, मान लीजिए कि जैसे थर्मल में उन्हें किसी और ब्रांच में मिला होगा, एनर्जी साइंस मान लीजिए मिला होगा, मैकेनिकल का स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन वो उसमें देना चाहता है थर्मल में, तो थर्मल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मे अपीयर हो सकते हैं ऑन द स्पॉट एडमिशन फॉर द चेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन अपना चेंज कर सकते हैं विद इन द डिपार्टमेंट। मोर ओवर, कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड द ऑफर्स एट आईटी बॉम्बे आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटर डिपार्टमेंट मूवमेंट शिफ्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन हुआ है एक्सेप्टेड एडमिशन एट आईटी बॉम्बे आर एप्लीकेंट्स हुआ है मार्क्ड एक्सेप्ट एंड फ्रीज,
ठीक है, ऑन द कोप पोर्टल टू एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाई अदर इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर स्मार्ट स्पॉट एडमिशन। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या किया जाए कि क्या कहते हैं कि एमई ऑफिस सॉरी एमई ऑफिस विल असाइन अ पर्टिकुलर लैब फॉर कैंडिडेट बट इट विल बी विद इन स्पेशलाइजेशन। आपको 20 घंटा काम करना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट हाँ ऑफलाइन होगा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो आपको 19 जुलाई को भैया ऑफलाइन जाना है। 19 जुलाई को वहाँ मतलब वहाँ रिपोर्टिंग टाइम है, आपको 18 या 17 से निकल लेना है। आपका मतलब कि जहाँ से मतलब कि जितना टाइम लगे उस हिसाब से आपको करना है। फिर उसके बाद करते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम किस में होगा, तो न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में होगा। ठीक है, 8:30 AM 9:30 AM इस तरीके से आप लोग ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन विद नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैंडिडेट्स हु विल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस। नो अकोमोडेशन, कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा और ट्रेवल अलाउंस कुछ भी मिलेगा नहीं भैया। तो अपने आप से पूरा जाना है, कोई अकोमोडेशन वहाँ नहीं मिलेगा ना तो ट्रेवल अलाउंस मिलेगा। ठीक है, आपको वहाँ रूम खुद लेना पड़ेगा या फिर मान लीजिए हॉस्टल मिलता है तो पैसे लेंगे। और क्या कहते हैं टिकट आपको मतलब ट्रेवल अलाउंस भी कुछ नहीं मिलेगा। RA सीट्स आर फिल्ड यूजिंग गेट स्कोर कार्ड के हिसाब से फिल किया जाएगा। बाय द गवर्नमेंट रूल ग्लोबली इंटरव्यूज मे बी कंडक्टेड फॉर RA एंड RIP सीट। जो RA रिसर्च असिस्टेंटशिप वाली जो 10 सीटें मैंने बोली हूँ उसमें इंटरव्यू होगा, लेकिन जो गेट वाला होगा मतलब कि जो मतलब ऊपर वाले बताए थे नॉर्मल वाले उसमें जो है नहीं होगा। ठीक है, द कैंडिडेट शैल एडमिट सबमिट वैलिड गेट स्कोर कार्ड सबमिट करना है, क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट करना है, ये सब आपको करना है। ठीक है, दो सेलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन कन्फर्मिंग एक्सेप्टेंस एंड सीट एंड नीड टू पे द फीस डायरेक्टली। जो लोग मतलब ऑफर मिलेगा उनको जो है फीस जमा करना पड़ेगा। ठीक है, विद मतलब हॉस्टल वाले अपना फीस देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग 53,500 इसके केस में और उसके SST केस में 38,500 रुपये जमा करना है। ठीक है, तो ये सब भैया आपको करना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मतलब ये पूरा PDF आप लोग पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ आप लोग अप्लाई करिए इसमें।